नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। अभी तक हमने अनुवांशिकी में पढ़ा कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, जीन को पढ़ा हमने। उसके बाद एलील और एलीलोमॉर्फ को पढ़ा। साथ ही साथ हमने प्रभावी और अप्रभावी को पढ़ा। इसके अतिरिक्त तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का अध्ययन किया। अर्थात हमने कई प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को। मतलब जहाँ से हम पिछला वीडियो छोड़े हैं, मतलब कंप्लीट किए हैं पिछला वीडियो, उसी के आगे से आज हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, टेस्ट क्रॉस हम पढ़ रहे थे। टेस्ट क्रॉस में हमने पढ़ा था कि जब दो जनकों, मतलब पेरेंटल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो जनक का मतलब है कि पेरेंटल मतलब पैतृक पीढ़ी। इसमें एक होगा आपका प्रभावी और एक होगा अप्रभावी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि लंबे पौधे, लंबे पौधे, लंबे पौधे को हम क्रॉस कराएंगे बौने पौधे से। किससे? बौने पौधे से। क्या करेंगे? लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से हम कराएंगे। तो यहाँ पे परिणाम क्या मिलता है? यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप लोग देखिए ध्यान से भी इसको, और देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो अगली पीढ़ी में क्या होगा? कैपिटल टी और यहाँ से एक आएगा स्मॉल टी। ये दोनों युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक को बनाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है, ये क्या आपका है? यह फोन पीढ़ी है। तो आपने पढ़ा था टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें यफ वन पीढ़ी में बने हुए संतान, यफ वन पीढ़ी में बने हुए संतान को हमेशा अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं। अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराएंगे। इस प्रकार के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। हमने पढ़ा था कि टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें यफ वन पीढ़ी में जो संतान बनती है, जो संतति बनता है, उसका क्रॉस हमेशा अप्रभावी के साथ, इसके अप्रभावी लक्षण के साथ कराते हैं। इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। आइए हम क्रॉस इनका कराते हैं। तो ये हमारे पास जो क्रॉस मिलेगा, ये है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई ये फोन है आपका, और इसको किससे क्रॉस कराएंगे आप? अप्रभावी मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे बात आती है गैमेट बनाने की। तो देखिए यहाँ पे हिटेरोजाइगस संख्या है, यहाँ पर अलग क्रम में है, मतलब हेट्रोजाइगस अवस्था में है जीन, जीन किस रूप में है? हेट्रोजाइगस अवस्था में। इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी ये गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जीन किस रूप में अरेंजमेंट है, व्यवस्थित है? ये है आपके होमोजाइगस अवस्था में। किस रूप में? होमोजाइगस, अर्थात यहाँ पर एक गैमेट बनता है। तो आपने इसको देखा, मन में प्रश्न उठा होगा कि गैमेट कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जितनी हिटेरोजाइगस संख्या होगी, जितनी किसी भी लक्षण में जो जीन होते हैं उसमें जितनी हिटेरोजाइगस पोजीशन मतलब संख्या होगी, वही क्या करेंगे? उसी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको क्या पता लग जाएगा कि गैमेट क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर कितना है? दो है। अब यहाँ पे दो है तो दो का मतलब एक सूत्र होता है 2n। तो देखिए हिटेरोजाइगस संख्या कितनी है यहाँ पर? एक है, इसलिए आपने क्या किया? 2 × 1 = 2। मतलब इसमें दो प्रकार के गैमेट बने। इसमें देखते हैं हिटेरोजाइगस है, इसमें कुछ नहीं है हिटेरोजाइगस, इसलिए आप दो का क्या करेंगे? आप दो तो है लेकिन आप दो लिखेंगे, उसके बाद 0, मतलब कुछ है ही नहीं है यहाँ पे हिटेरोजाइगस में, कोई कुछ नहीं है, इसलिए आप 0 करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कोई गुणा नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक प्रकार की क्या बनेगी? संतति बनेगी, मतलब गैमेट बनेंगे। तो आपने इसको देखा। अब आइए हम इनका क्रॉस कराते हैं। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, देखिए इस वाले फिगर को हम यहाँ पे समझेंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो चेकर बोर्ड हम बनाएंगे। चेकर बोर्ड हमने यहाँ पे बना लिया, इसको मतलब यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो आप एक तरफ रखेंगे मेल गैमेट, मान लेते हैं एक तरफ रखते हैं इसको, ये मान लेते हैं मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, देखिए हमने एक तरफ मेल गैमेट को रख दिया, ये मान लेते हैं क्या है? मेल गैमेट है और ये क्या है? फीमेल, फीमेल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रखा? मेल गैमेट को रखा मेल, और यहाँ पे क्या है? फीमेल, फीमेल ये हमने रख दिया।
अब देखिए क्या होगा, फीमेल में क्या है, केवल स्मार्टी है, फीमेल में क्या है आपका, स्मार्टी है, स्मार्टी को आप यहाँ रख दीजिए। देखिए ये हो गया कि फीमेल, फीमेल और यहाँ पे स्मार्टी कर दीजिए, क्या कर देंगे, स्मार्टी कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, गैमेट कितने बनेंगे यहाँ पर, तो कैपिटल टी स्मार्टी और यहाँ पर क्या है, स्मार्टी स्मार्टी। अर्थात आप कहेंगे जब हम किसी भी पौधे का, किसी भी पौधे या लक्षणों में जो भी हम जीन लिए हैं, यदि उनका हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है अगली पीढ़ी में, संतान, संतति क्या प्राप्त होती है, वह संतति 50% मेल होगी, या ऐसा कह सकते हैं कि वह संतति 50% और 50% के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कैपिटल टी मतलब ये संकरित लंबा होगा, ये पौधा कैसे होगा, संकरित लंबा होगा, और ये क्या होगा आपका, ये दूसरा वाला बौना होगा, तो ये संकरित, संकरित लंबा, और ये क्या हो, और ये क्या होगा आपका, बौना होगा, कैसे होगा पौधा, शुद्ध बौना होगा। तो यहाँ पे ये मिला। कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, ऐसे पूछ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो होता है, रेशियो क्या मिलता है, तो आप भाई सिंपल सी बात है, 50% 50% मतलब 1:1। तो हमने देखा टेस्ट क्रॉस को विस्तार से कि टेस्ट क्रॉस क्या है, इसमें क्या अनुपात मिलता है। देखिए टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम यह फोन वाले पीढ़ी को हमेशा अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारा भी यह फोन है, यह फोन यहाँ पे लाए और ये हमारे पास क्या है, अप्रभावी लक्षण है, इसका क्रॉस हमने करा दिया। जब क्रॉस करा दिया, चेकर बोर्ड बनाया और गैमेट को रख दिया। रखने पर हमें दो प्रकार की संतति प्राप्त हुई, आपने देखा कि दो प्रकार के संतान प्राप्त हुए हैं। अब इसमें 50% क्या है, संकरित लंबा है और 50% बौना पौधा है। तो हमने इसको पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस, क्या पढ़ेंगे इसी क्रम में, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है ये हम देखते हैं संक्षेप में। बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है, देखिए बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें, बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में बने संतान को, F1 पीढ़ी में बने संतान को हम देखेंगे बैक क्रॉस। तो यहाँ पे देखिए बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, आप कहेंगे बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें F1 पीढ़ी में, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे पहले क्रॉस कराते हैं तब समझेंगे F1 पीढ़ी क्या है। ये मान लेते हैं आप क्या कि बौना पौधा, यहाँ पे मान लीजिए बौना पौधा, लंबा पौधा और क्रॉस बौना पौधा, लंबा पौधा और किससे क्रॉस करा रहे हैं, बौने पौधे से आप क्रॉस करा रहे हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए यहाँ से एक जीन आएगा, यहाँ से एक जीन आएगा, तो ये क्या बना लेंगे आपके, युग्मक बना लेंगे। अब इस, ये क्या कहलाएगा आपका, ये F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पैतृक पीढ़ी कहलाएगा। इसका क्रॉस आप इससे करा दीजिए अथवा आप इससे करा दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा, मतलब इसे ही हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें F1 पीढ़ी को हम किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे चाहे आपका प्रभावी हो या अप्रभावी हो, के साथ क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। पूरा ध्यान दीजिए, बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो F1 पीढ़ी में संतान बनी है, उस संतान को किसी भी पेरेंट से, चाहे आपका प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, के साथ क्रॉस कराते हैं, इस प्रकार के क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। चलिए अगला हम समझते हैं इसी में। आप कहेंगे कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस, क्या पढ़ेंगे आप, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। तो देखिए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, आप क्या कहेंगे इसे, डाई हाइब्रिड, हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये आपको पढ़ना है। अब आप इसका मतलब क्या है कि इसमें आप दो जोड़ी लक्षणों को ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं, जैसे यहाँ पे आप काला शरीर, काला शरीर और लंबे पंख, लंबे पंख, और हम यहाँ पर किस जीव का क्रॉस करा रहे हैं, वो है आपका ड्रोसोफिला, क्या है आपका ड्रोसो, ड्रोसोफिला मैलेनोग्लेस्टर, मैलेनो, मैलेनोग्लेस्टर,
ग्लेस्टर 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 तो यह है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है। और इसे हम फल मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल मक्खी कहते हैं। तो देखिए, जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो रहा है वो किस पर हो रहा है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, और इसे हम क्या कहते हैं? फल मक्खी कहते हैं। तो हम इस पर क्रॉस कराएंगे। तो लक्षण हमने क्या लिया? लक्षण हमने लिया है लंबे पंख और काला शरीर। अब यहाँ पे हम लेंगे भूरा शरीर, भूरा शरीर, और क्या होगा यहाँ पर? बौने पंख, बौने पंख। हम पढ़ रहे हैं इस समय डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, बी मतलब ब्लैक काला शरीर, और लंबे पंख मतलब विंग, विंग मतलब लंबा, मतलब सॉरी विंग मतलब पंख होते हैं। तो आप इसके जीन लेंगे स्मॉल बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ तक तो समझ में सबको आया होगा। आप देखिए, जनक अगली पीढ़ी मतलब ये बनाएंगे, तो यहाँ पे ये कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी, और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू ये बनाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये आपस में गैमेट बनाएंगे। गैमेट मतलब है कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। एक जीन यहाँ से आता है, एक जीन यहाँ से आता है, इसलिए दोनों कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू बन गए। उसी प्रकार एक जीन यहाँ से आएगा कैपिटल बी सॉरी स्मॉल बी, और एक यहाँ से जीन आया गया होगा स्मॉल डब्ल्यू। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हेडिंग क्या है आपकी, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दो संकर टेस्ट क्रॉस है आपका। तो आप इसका क्रॉस इससे करा दीजिए। देखिए जब क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा आपका कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, ये है आपका मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। क्रॉस किसे कराएंगे? स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू हमेशा क्रॉस अप्रभावी वाले से कराते हैं। अब इसमें होगा क्या कि गैमेट कितने बनेंगे? तो इसमें आपको पता है कि दो प्रकार के बनेंगे, एक बनेगा स्मॉल बी एक स्मॉल डब्ल्यू। इसमें क्या बनेगा? इसमें दो मतलब दो हेटेरोजाइगस पोजीशन है, एक ये है कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू, ये है आपका कैपिटल और स्मॉल बी। अब देखिए यहाँ पे बनेगी आपकी संतति, जो संतानी होगी आपकी कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या बनेगा? स्मॉल बी बनेगा स्मॉल डब्ल्यू बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अब इसके हम क्रॉस कराएंगे, तो एक तरफ मेल को रखेंगे आप, एक तरफ फीमेल को रखेंगे। देखिए होता क्या है, आप कैसे आप क्रॉस कराएंगे? तो आपने दो लक्षणों को लिया है, अब आप कहेंगे यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे चार गेमेट बने, यहाँ पे कितना बनेगा आपका? एक बनेगा। आइए हम शिखर बोर्ड में कॉलम बनाएंगे, तो इसका गुणा आप इसे कर दीजिए, कितने गैमेट हैं यहाँ पर? चार गैमेट हैं, इसलिए कॉलम कितने बनेंगे? चार कॉलम बनेंगे। देखिए आप चेकर बोर्ड ऐसे बना लीजिए, एक तरफ यहाँ पे इसको रख दीजिए, मान लीजिए आप क्या है मेल है, क्या है मेल गैमेट है, मेल गैमेट, ये क्या है फीमेल गैमेट। जब आप रखते हैं तो क्या होगा, मेल को रखिए तो यहाँ पे क्या है स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे कितने जीन है? कैपिटल डब्ल्यू सॉरी कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा है आपका कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू, और लास्ट में है आपका चौथा पॉइंट मतलब चौथा गैमेट जो है वो है आपका स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ तक तो सबको क्लियर से समझ में आया है, नहीं आया एक बार देखिए। यहाँ से हमने जीन को बनाया, ये चारों जीन को हमने एक साइड में रख दिया, उसके बाद ये है युग्मक सॉरी युग्मक है, युग्मक को हमने साइड में रख दिया, और इस तरफ हमने एक युग्मक रखा, इसे हमने मेल युग्मक कहा, और ये सब कैसे हैं? फीमेल युग्मक हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम भरेंगे इसको मतलब पूर्ण करेंगे, तो कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू, और इसमें देखिए क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, उसके बाद स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे दोनों एक पोजीशन में होंगे। अब प्रश्न था संतति कैसी होगी, संतति मतलब जो एफ वन जो आपकी दूसरी पीढ़ी में, ये तो आपका एफ वन है, एफ टू पीढ़ी में संतान कैसे बनेगी? तो देखिए यहाँ पर आप पहले इसको देखिए,
कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके मतलब क्या है कि देखिए दोनों में अब आपको डिफरेंस मिल रहा है, मतलब ये है कि ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पर प्रभावी होगा, कैपिटल बी स्मॉल पर प्रभावी होगा। इसलिए कैसा होगा जीव, ये जीव जो बनेगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे काला शरीर होगा और काला शरीर होगा साथ साथ लंबे पंख होंगे, काला शरीर और लंबे पंख इसका हो गया। तो काला शरीर और लंबे पंख, काला शरीर और लंबे पंख इसको हमने लिखा पहले वाले, काला शरीर और लंबा पंख हो गया। दूसरे को आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये अप्रभावी को दिखाएगा और ये प्रभावी को दिखाएगा। तो काला शरीर बौना पंख, काला शरीर बौना पंख ये हो गए, काला शरीर बौना पंख। ध्यान दीजिए काला शरीर क्या है, बौना पंख है, स्मॉल डब्ल्यू है। यहाँ पे हम देखते हैं इनकी बात, तो तीसरे वाले में क्या होता है, यहाँ पर इनके लिए देखिए ये बौने होंगे, कैसे होंगे यहाँ पे, सॉरी ये होंगे भूरे, कैसे होंगे यहाँ पे, भूरे रंग के होंगे। और यहाँ पर ये पंख कैसे होंगे, देखिए इनके पंख होंगे आपके, ये डब्ल्यू प्रभावी होगा इसलिए इनके पंख होंगे आपके लंबे। तो भूरा शरीर लंबे पंख, भूरा शरीर लंबे पंख ये हो गए आपके। उसके बाद लास्ट को देखिए, तो कहेंगे आप भूरा शरीर छोटे पंख, भूरा शरीर छोटे पंख। तो ये आपने देखा दुष्शंकर क्रॉस, ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या अनुपात आएगा, अनुपात आप याद रखिएगा, इसमें जो आपका रेशियो मिलता है वह रेशियो मतलब अनुपात होता है एक अनुपात है एक। तो याद रखिएगा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो अनुपात होता है वो होता है आपका 1:1, और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रिजल्ट होता है अनुपात होता है 1:2, 1:1, 1:1। तो हमने इतना देखा, अब आगे हम देखेंगे कि अगली परिभाषिक शब्दावली क्या है। इस पर हमने आपका समय लिया क्योंकि इसे समझने के बाद आगे हम समझ पाएंगे, यदि ये सब नहीं समझ पाएंगे तो आगे हमको समझने में समस्या होगी। अब अगला हम पढ़ेंगे जो परिभाषिक शब्दावली है वो है आपके पास एक संकर क्रॉस और दो संकर क्रॉस। क्या पढ़ेंगे आप, एक संकर क्रॉस और उसके बाद दो संकर क्रॉस पढ़ेंगे। तो पहले आप पढ़ेंगे देखिए दो संकर क्रॉस। तो देखिए पहले हम समझते हैं एक संकर क्रॉस क्या है। आप कहेंगे एक संकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, केवल एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं, जैसे तने की लंबाई। दो संभावना है, ये तो तना लंबा होगा, क्या होगा लंबा होगा, या तो तना या तो बौना होगा। तो आप पुनः ध्यान दीजिए, आप कहेंगे एक संकर क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें हम केवल एक जोड़ी लक्षणों को लेकर ही प्रयोग करते हैं वह क्रॉस एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे तने की लंबाई, इसमें एक जोड़ी लक्षण हो गए, या तो तना लंबा होगा, कैसे होगा तना लंबा होगा, या तो तना बौना होगा, मतलब दोनों मिला के एक पेयर मतलब एक जोड़ी लक्षण हो गए। दूसरा बीज का आकार देखिए बीज या तो गोलाकार होगा या तो झुर्रीदार होगा। बीज तो या तो गोलाकार होगा अथवा झुर्रीदार होगा। उसके बाद देखिए आप अगले में आप कहेंगे कि आप देखिए अभी तक एक संकर क्रॉस, अब पढ़ेंगे हम दो संकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें हम केवल एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों मिला के एक जोड़ी हो गई। दूसरा है बीज का आकार, बीज या तो गोलाकार होगा तो झुर्रीदार होगा, मतलब एक लक्षण यहाँ पे कितने लक्षण हो गए आपके, एक जोड़ी हो गए। तो इस प्रकार की क्रॉस को हम एक संकर क्रॉस कहेंगे। आइए हम समझते हैं दो संकर क्रॉस, क्या पढ़ेंगे दो संकर क्रॉस।
आप कहेंगे द्विशंकर क्रॉस वह क्रॉस होता है, द्विशंकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं। द्विशंकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम दो जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पहला मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या, बीज का आकार क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए पहला होगा गोलाकार, दूसरा का झुर्रीदार, ये हुई दूसरा बीज का रंग। आप कहेंगे बीज का रंग क्या होगा, दो संभावना है, या तो बीज पीला होगा या तो हरा होगा। तो ये आपके दो जोड़ी, एक जोड़ी लक्षण ये हो गए और एक जोड़ी लक्षण ये हो गए। तो आप कहेंगे कि अगर आपसे कोई कहे द्विशंकर क्रॉस क्या है, तो द्विशंकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम दो जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं, उसे ही हम द्विशंकर क्रॉस कहते हैं। ये हमने देखा, एक उदाहरण और देख लीजिए आप। यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगला उदाहरण जो आपके पास है, कह सकते हैं आप फली का रंग कैसे होगा। यहाँ पे होगा आपका हरी हो सकती है और पीली हो सकती है, और फली का आकार क्या हो सकता है, फूली हुई। दूसरा है चपटी, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि एक शंकर क्रॉस क्या है और दो शंकर क्रॉस क्या है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अगली परिभाषिक शब्दावली है, वह है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस और हेमिजाइगस। क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस और हेमिजाइगस। तो आइए हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस वह क्रॉस होता है, इसे हम पारस्परिक क्रॉस कहते हैं, पारस्परिक क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहेंगे, पारस्परिक क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसमें हम, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक क्रॉस कराया, क्या तने की लंबाई, तो यह पौधा लंबा होगा, सॉरी पौधा क्या होगा, लंबा होगा। इसके लिए जीन कैपिटल टी या तो बौना होगा, जीन क्या होंगे, स्मॉल टी। क्रॉस कराएंगे यहाँ पे स्मॉल टी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में मिलेंगे। अब इसको चाहे आप मेल मानिए, मेल, या इसी को आप चाहे फीमेल मान लीजिए, फीमेल। तो आप कहेंगे पारस्परिक क्रॉस अथवा रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहेंगे, पारस्परिक क्रॉस अथवा रेसिप्रोकल क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम एक गैमेट को मेल और दूसरे को फीमेल मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे जिसको आप मेल मान लीजिए चाहे जिसको फीमेल मान लीजिए। तो आप कहेंगे पारस्परिक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम किसी भी गैमेट को मेल और फीमेल मान सकते हैं, चाहे आप इसको मेल मानिए चाहे इसको मेल मानिए, इसको मेल मानिए इसको फीमेल, इसको फीमेल मानिए इसको मेल मानिए। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम पारस्परिक क्रॉस कहते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं हेमिजाइगस। क्या हेमिजाइगस, तो आप कहेंगे हेमिजाइगस क्या है, आइए हम उसको भी देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब हेमिजाइगस में हम देखेंगे हेमिजाइगस। आप कहेंगे हेमिजाइगस वह अवस्था है कि लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कारक जोड़ी में होते हैं, अर्थात लक्षण के जीन किस में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। आप कहेंगे हेमिजाइगस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक जोड़ी में होते हैं और जोड़ी का केवल एक ही कारक अगली पीढ़ी में जाता है। देखिए मान लेते हैं
पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा होगा? या तो लाल होगा मतलब रेड, और वाइट सफेद, ये हो गए आपके पास। अब इतने आपके पास हो गए, या तो कैसे होगा आपका सफेद मतलब वाइट होगा, रेड होगा या तो वाइट होगा। इसके लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, और इसके लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये जीन कैसे हो गए? जीन आपके पेयर में है मतलब जोड़ी में है, लेकिन अगली पीढ़ी में जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो जोड़े से केवल एक ही जीन बाहर आता है। इसी परिघटना को सॉरी कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। तो आपने देखा कि दो आर थे मतलब जोड़े में थे, जोड़े में से एक आर बाहर निकला, इसे ही हम हेमिजाइगस अवस्था कहते हैं। कैपिटल आर था दो बार, यहाँ पे एक आर मिला, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेमिजाइगस। तो आप कहेंगे हेमिजाइगस वह अवस्था होती है जिसमें, हेमिजाइगस वह अवस्था होती है जिसमें क्या करते हैं हम कि लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जो जीन होते हैं, जो कारक होते हैं, वे जोड़े में होते हैं, और जोड़े का एक जीन अगली पीढ़ी में मतलब अगले युग्म में आ जाता है। इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? हेमिजाइगस कहते हैं। और ये जब संयुग्मित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर बनाते हैं, तो क्या बनता है? तब बनता है आपका युग्मक यानी जायगोट बनता है, इसे ही हम यफुगन पीढ़ी कहते हैं। तो हमने इसको देखा। अब अगला जो पढ़ेंगे इसी क्रम में हमारे पास है कि अगला जो पढ़ेंगे आपका वो है आपका ट्रू ब्रीडिंग लाइन। क्या है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो हम इसमें पढ़ेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन। आइए हम देखते हैं क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। शुद्ध प्रजाति के पौधे ट्रू देखिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, ब्रीडिंग लाइन, ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। आप कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है कि जो शुद्ध होमोजाइगस पौधे होते हैं, जो शुद्ध होमोजाइगस पौधे होते हैं उनमें केवल एक प्रकार के गैमेट बनते हैं, जो शुद्ध होमोजाइगस पौधे होते हैं उनमें केवल एक प्रकार के क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। इन्हें ही हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन या शुद्ध प्रजाति कहते हैं। इस प्रकार के पौधे को यदि हम बार बार क्रॉस कराएंगे, क्या करेंगे? बार बार क्रॉस कराएंगे, तब भी हमको वही परिणाम प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त होता है। चाहे आप जितने बार क्रॉस कराइए, लेकिन इनके लक्षणों में विशेष अंतर नहीं होता है और इनके जीन में भी कोई अंतर नहीं होता है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई मतलब पीला के हो गया, मतलब बीच पीले के लिए तनिक लंबाई लंबा होगा, और ये स्मॉल टी बौनापन के लिए उत्तरदायी है। ये आपका ये क्या है आपके लिए? ये है हरे बीज के लिए। तो आपने देखा ट्रू ब्रीडिंग लाइन। पुनः देखिए, आप कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है जो शुद्ध होमोजाइगस पौधे होते हैं, जो शुद्ध होमोजाइगस पौधे होते हैं इनमें केवल एक ही प्रकार के गैमेट बनते हैं, जो शुद्ध होमोजाइगस पौधे होते हैं उनमें केवल एक प्रकार के गैमेट बनते हैं, और इसी परिघटना को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। इस प्रकार के पौधे को यदि हम लगातार क्रॉस कराते हैं, क्या करते हैं? लगातार क्रॉस कराते हैं, और उनके अंदर जो लक्षण होता है वह हमेशा शुद्ध होमोजाइगस होता है। कैसे होता है? शुद्ध होमोजाइगस होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। तो आज हमने इसको पढ़ा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पुनेट स्क्वायर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल का प्रथम नियम। तो आज यहीं तक, पढ़ते रहिए। जो वीडियो मैंने समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप यदि इसको वीडियो लेक्चर मान के पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी कहा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसे आप कंटिन्यू पढ़िए। कुछ त्रुटियों के कारण वीडियो एक दो दिन आपको नहीं भेज पाए, इसके लिए खेद है, लेकिन अब आपको प्रतिदिन जाएगा। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।